हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रिलेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 08520 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि वाया विजयवाड़ा के रास्ते चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिसे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो से भी जुड़ी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस महाराष्ट्र से कर्नाटका और तेलंगाना को होते हुए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तक चलती है। इस ट्रेन में ICA ब्रेक यूज होता है। इस ट्रेन को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये कोविड रिजर्व टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का लोकमान्य तिलक टर्मिनस से विशाखापट्टनम तक जो दूरी है वह 1495 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिशन स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का लोकमान्य तिलक टर्मिनस से विशाखापट्टनम तक जाने में टाइम लगता है 27 घंटे 45 मिनट का। रास्ते में इस ट्रेन का 21 स्टेशन पर हॉल्ट है, जिसमें से 2 टेक्निकल हॉल्ट और 19 कमर्शियल हॉल्ट है। और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए आप इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में 1 फास्ट AC, 1 सेकेंड AC, 4 थर्ड AC, 9 स्लीपर क्लास और 4 सेकेंड सीटिंग चेयर का शामिल है। और इस ट्रेन का लोकमान्य तिलक टर्मिनस से विशाखापट्टनम तक जाने में जो कॉस्ट है, वह फास्ट AC का 4060 रुपीज़, सेकेंड AC का कॉस्ट है 2390 रुपीज़ और थर्ड AC का कॉस्ट है 1655 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 620 रुपीज़ और सेकेंड सीटिंग चेयर का कॉस्ट है 375 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन महाराष्ट्र के मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुबह के 6:55 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह कर्जत जंक्शन, यहाँ पर यह 8:25 पर आता है और 8:28 पर यहाँ से रन, इसका 3 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। इसके बाद लोनावला, यहाँ पर यह 9:05 पर आता है और 9:07 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर भी इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। इसके बाद पुणे जंक्शन, यहाँ पर यह 10:15 पर आता है और 10:20 पर यहाँ से रन, इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सोलापुर, यहाँ पर यह दोपहर के 2:10 पर आता है और 2:15 पर यहाँ से रन, इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यह ट्रेन महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटका में एंटर होती है। इंटरनेशनल स्टेशन आता है कालाबुरागी जंक्शन, यहाँ पर यह 3:43 पर आता है और 3:45 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद वाड़ी जंक्शन, यहाँ पर यह 5:05 आता है और 5:05 पर यहाँ से रन, इसका 5 मिनट का स्टॉप है। एवं इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है। इसके बाद ये ट्रेन कर्नाटका छोड़ के तेलंगाना में एंटर होती है। इंटरनेशनल स्टेशन आता है तंदूर, यहाँ पर ये 6:14 पर आता है और 6:15 पर यहाँ से रन, इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विकाराबाद जंक्शन, यहाँ पर ये 6:44 पर आता है और 6:45 पर यहाँ से रन, इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद लिंगमपल्ली, यहाँ पर ये 7:19 पर आता है और 7:20 पर यहाँ से रन, इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है सिकंदराबाद जंक्शन, यहाँ पर ये 8:30 पर आता है और 8:40 पर यहाँ से रन, इसका 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मौला अली, यहाँ पर ये 8:52 पर आता है और 8:53 पर यहाँ से रन, इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद काजीपेट जंक्शन, यहाँ पर ये 10:28 पर आता है और 10:30 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन तेलंगाना छोड़ के आंध्र प्रदेश में एंटर होती है। इंटरनेशनल स्टेशन आता है विजयवाड़ा जंक्शन, यहाँ पर ये 2:30 पर आता है और 2:45 पर यहाँ से रन, इसका 15 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का रिवर्स होता है। इसके बाद गुडीवाड़ा जंक्शन, यहाँ पर ये 3:48 पर आता है और 3:50 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद काइकालुरु, यहाँ पर ये सुबह के 4:28 पर आता है और 4:30 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आकीबीडू, यहाँ पर ये 4:48 पर आता है और 4:50 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद भीमावरम टाउन, यहाँ पर ये 5:03 पर आता है और 5:05 पर यहाँ से रन, इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद तानुकु, यहाँ पर ये 5:54 पर आता है और 5:55 पर यहाँ से रन, इसका 1 मिनट का स्टॉप है।
इसके बाद राजा मुंडरी यहाँ पर ये 6:48 पर आता है और 6:50 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद समालपुर जंक्शन यहाँ पर ये 7:33 पर आता है और 7:35 पर यहाँ से इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का सेकेंड लास्ट स्टॉप है पीठापुरम, यहाँ पर ये 7:44 पर आता है और 7:45 पर यहाँ से इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का डेस्टिनेशन वही विशाखापट्टनम जंक्शन, यहाँ पर ये 10:40 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म है अपनी यात्रा शुरू कर लेती है और 1495 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।